वर्तमान में देश के शहरी विकास कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख प्रोग्राम स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शहरों का चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से किया गया। देहरादून शहर के फैलाव और बढ़ती जनसंख्या से सड़कों पर वाहनों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वातावरण में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। नागरिकों की सार्वजनिक परिवहन सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने और निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की सार्वजनिक स्मार्ट परिवहन योजना के अंतर्गत शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया गया। इलेक्ट्रिक बसें एक सुविधाजनक स्थायी गतिशीलता प्रदान करने के साथ साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने में भी सहायक हैं। इनके परिचालन में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग न होने के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में और ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है और इन बसों के रखरखाव में खर्च भी कम आता है। उच्च तकनीक युक्त 26 सीटों वाली इन वातानुकूलित बसों में ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीए सिस्टम, इमरजेंसी बटन, यूएसबी मोबाइल चार्जिंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए बस में चढ़ने उतरने के लिए व्हीलचेयर हेतु हाइड्रोलिक रैंप भी मौजूद है। बहुत आराम से जाते हैं इसमें, हम जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए तो और अच्छा है। पिछले मार्च लॉकडाउन से पहले मार्च से मेरा इस बस में आवागमन है, जिससे मुझे बहुत सुविधा है। लोकल बस की अपेक्षा चढ़ने उतरने की सबसे पहली सुविधा है। दूसरा, कपड़े आदि गंदे नहीं होते हैं इसमें, ठीक है ना। उस पर से ये लोग जो कंडक्टर ड्राइवर बड़े रेस्पेक्ट देते हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर हर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध ये बसें देहरादून एयरपोर्ट आने जाने के लिए हर 30 मिनट में उपलब्ध रहती हैं। सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत चलने वाली इन बसों के रखरखाव और इन्हें चार्ज करने के लिए एक मेंटेनेंस एवं चार्जिंग डिपो स्थापित किया गया है। इन इलेक्ट्रिक बसों को एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। सुरक्षा और निगरानी के दृष्टि से जीपीएस द्वारा ये बस परिवहन सेवा डीआईसीसीसी से भी जुड़ी हुई है। भारत की स्कूल राजधानी की पहचान रखने वाले इस शहर में देहरादून स्मार्ट सिटी चाइल्ड फ्रेंडली मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को घर और स्कूलों के बीच सुलभ और सुरक्षित आवागमन प्रदान करने में भी इन बसों का महत्वपूर्ण योगदान है। देहरादून स्मार्ट सिटी की इस परियोजना के विभिन्न सकारात्मक पहलू भी हैं। आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक बसें मौजूदा पारंपरिक बसों के बेड़े की जगह ले लेंगी तो शहर के कार्बन फुटप्रिंट और प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही पारंपरिक बसों के परिचालन के लिए भारी कीमत पर फॉसिल फ्यूल को खरीदने में होने वाली लागत को भी दरकिनार करने में मदद मिलेगी। एसी है बस में, वरना सिटी बस में हमें मतलब बहुत धक्का मुक्की के साथ, बहुत वैसे दिक्कत के साथ सफर करना पड़ता था। टाइमिंग भी नहीं ऐसी कोई खास है कि मतलब आपको दो दो घंटे वेट करना पड़ रहा है बस का, आपको मतलब हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में ये बस आराम से मिल जाती है। देश के स्मार्ट सिटी मिशन अग्रणी होने की दिशा में कदम बढ़ा रही देहरादून स्मार्ट सिटी में अब नागरिकों के सुविधाजनक आवागमन के लिए स्मार्ट परिवहन सेवा के रूप में उपलब्ध है आरामदायक और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक बस सेवा।